नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए रक्षाबंधन की कथा लेकर आई हूं, जिसका वर्णन भविष्य पुराण में किया गया है। भविष्य पुराण की रक्षाबंधन की कथा के अनुसार, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा दानव पराजित हो गए थे। इस पर दुखी होकर सभी राक्षस दैत्यराज बलि के साथ अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुँचे और अपनी पराजय का वृत्तांत बतलाया। इस पर शुक्राचार्य जी बोले कि हे दैत्यराज, आपको विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दैववश काल की गति से जय पराजय तो होती ही रहती है। इस समय वर्ष भर के लिए तुम देवराज इंद्र के साथ संधि कर लो, क्योंकि इंद्र पत्नी सची ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांध कर अजेय बना दिया है। उसी के प्रभाव से हे दानवेंद्र, तुम इंद्र से परास्त हुए हो। एक वर्ष तक प्रतीक्षा करो, उसके बाद तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। अपने गुरु शुक्राचार्य के वचनों को सुनकर सभी दानव निश्चिंत हो गए और समय की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार हे राजन, यह रक्षाबंधन का विलक्षण प्रभाव है। इससे विजय, सुख, पुत्र, आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है। इसी रक्षा सूत्र के प्रभाव से जो इंद्र पत्नी सची ने अपने पति इंद्र को बांधा था, उसके प्रभाव से इंद्र अजय हो गए थे और उन्होंने दैत्यराज बलि से विजय प्राप्त की थी। इस तरह से यह रक्षाबंधन ना केवल भाई और बहनों का त्यौहार है, बल्कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की मंगल कामना हेतु रक्षा सूत्र बांध सकता है। आप पंडित या पुरोहित से भी रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं। कोई भी पत्नी अपने पति को रक्षा सूत्र बांध सकती है, अपने पुत्र को, पिता को, किसी भी व्यक्ति की मंगल कामना हेतु रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। यह मैं भविष्य पुराण की कथा के अनुसार बता रही हूँ, आप भविष्य पुराण भी पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा रक्षाबंधन के लिए एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य है, वो यह है कि हमें भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि भद्रा काल का समय अशुभ माना जाता है। भद्रा काल में ऐसा माना जाता है कि भद्रा काल में ही शूर्पनखा ने अपने भाई रावण को राखी बांधी थी, इसलिए उसका विनाश हुआ। इसीलिए भद्रा काल का विशेष ध्यान रखा जाता है और इसमें राखी नहीं बांधी जाती है। और कभी भी अगर रक्षाबंधन में श्रावण पूर्णिमा के दिन जैसे कि रक्षाबंधन होता है, तो अगर भद्रा काल का समय जब भी हो, तब उस समय आप अपने भाइयों को राखी नहीं बांधें। उम्मीद करती हूँ यह कथा और जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हर पूजा पाठ से संबंधित, चाहे वह प्रदोष व्रत हो, पूर्णमासी व्रत हो, एकादशी हो, गुरुवार, शुक्रवार, सभी व्रतों से संबंधित पूजा करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। एक बार हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।